नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, बहुत ही प्यारा फूल मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं और इस फूल का नाम है फुटबॉल लिली। और आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत ये फुटबॉल लिली लगता है। देखिए किस तरीके से जो है मेरे टब के अंदर ये लगा हुआ है। तो इसको मैंने किस तरीके से लगाया, आप कब लगा सकते हैं, इसकी देखभाल क्या है, तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ये जो फूल है बहुत ही प्यारा लगता है और इसको जो है बल्ब से लगाया जाता है और आप इसको फरवरी से लेकर के जून तक कभी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये मार्च से फ्लावरिंग स्टार्ट करता है और बिल्कुल जो है जुलाई महीने तक इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है। और जब आप इसको लगाते हैं तो 1 से 1.5 महीने के बाद ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किस तरीके से लगाना है, क्या चीज़ लगता है, तो उससे पहले हम मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो मिट्टी है उसको पहले पूरी तरीके से सूखा लेना है। ये जो है मेरे पुराने टब है, इसमें पहले बैंगन लगा हुआ था तो काफ़ी दिन से जो है ये ऐसे खुला छोड़ा हुआ था। थोड़ा सा मैंने खुरपी से इसको उलट पलट कर दिया था तो इसी में जो मिट्टी है वो सूख गई थी। तो इसी मिट्टी का यूज़ मैं करने वाला हूँ। रेत इसमें पहले से थोड़ा मिला हुआ है तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा अब ये नीम की जो खाद है या नीम के जो पत्ते हैं, दोनों चीज़ों को ही मैं मिला लूँगा। तो ये नीम के पत्तों को मैंने चूरा बना लिया था, उसको सुखा करके और मिक्सी में थोड़ा पीस करके, तो 1-2 मुट्ठी मैं इसमें ये चीज़ डाल दूँगा क्योंकि मिट्टी मेरी पुरानी है। और आपको सॉइल में जो है दोस्तों अधिकतर सॉइल लेना है, 70% तक आप सॉइल ले सकते हैं और बाकी जो है आप वर्मी कंपोस्ट और रेत जो है आधा आधा लेकर के बाकी के क्वांटिटी को आप पूरा कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैंने तो नीम के पत्तों का चूरा मिलाया था सूखा करके, और ये जो है नीम खाद है तो नीम खाद को भी मैं थोड़ा इसमें मिला दूंगा क्योंकि मेरे पास इस समय वर्मी कंपोस्ट नहीं है और पहले पिछले साल इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ था। तो बैंगन के जो पौधे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उससे चला गया है तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नीम खाद का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो कोई भी आपके पास हो, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की पुरानी खाद हो, नीम खाद हो, तो कोई भी चीज़ आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं और इसको इस तरीके से आपको मिट्टी में मिक्स कर लेना है अच्छे से। दोस्तों, फुटबॉल लिली का जो पौधा है वो जो है इसके बल्ब से या जिसको आप राइजोम कहते हैं उससे लगता है और बिल्कुल एमरिलिस की तरह या जो लिली है उसकी तरह इसके राइजोम इस तरह के होते हैं, बिल्कुल एक पैच के आकार का दिखाई देता है। तो ये जो है मैंने पहले ही अपने गार्डन में नीचे जो है ग्राउंड पे लगाया हुआ था तो वहाँ से मैं निकाल करके इसको लाया हूँ और इसको जो है अब मैं इस टब के अंदर डालूंगा। उस समय मेरे पास कोई टब खाली नहीं था तो मैंने ग्राउंड में ही लगा दिया था। तो अब इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो एक तो मेरे पास ये पौधा है, इसके अलावा 2 जो है और पौधे हैं तो इसमें अभी फ्लावरिंग जो है नहीं हुई है तो इसमें भी कुछ दिनों में फ्लावर आ जाएगा तो इसको भी मैं इसी के किनारे जो है लगा दूंगा। और दोस्तों, ये जो राइजोम है ये आपको नर्सरी में 15-20 रुपए में ये 25 रुपए तक मिल जाएगा तो आप नर्सरी से पता कर सकते हैं और वहाँ से ला सकते हैं। और मैं तो खैर आसपास से ही कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ अगर नई चीज़ देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ से जो है लाया जाए। तो मैं तो इधर उधर से अधिकतर इसी तरीके से अपने पौधों को कलेक्ट करता हूँ। तो ये 3 पौधे मेरे पास है तो तीनों को इसी टब में मैं लगा दूँगा। और दोस्तों, ये जो है एक जो ड्रम है उसके ऊपर का हिस्सा है तो बाकी का जो बड़ा वाला हिस्सा है नीचे का, तो उसमें मैंने अपना एक फ्रूट
का ट्री लगा दिया और ऊपर के ढक्कन का जो एरिया है तो उसमें इस पौधे को लगा दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फुटबॉल लिली का पौधा। और कुछ दिनों में इसमें और भी फ्लावरिंग जो है होने लगेगी। तो इस तरीके से जो है आप भी इस समय लगा सकते हैं इस पौधे को। और हमेशा ही आप टब में लगा रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खैर राइजोम को निकालता भी नहीं हूँ, चाहे लिली हो एमरिलीज हो, हर साल अपने आप फ्लावरिंग होती रहती है, उसमें काफ़ी बढ़ते रहते हैं। तो देखिए इस तरह से जो लिली है यहाँ पर, जो रेड लिली है वो भी लगा दिया है, एक पिंक कलर में है एक वाइट कलर में है। और इधर जो है इस टब में मैं अभी जो है एमरिलिस का पौधा लगाने वाला हूँ। तो एक टाइप के जो गाठ वाले या जो बल्ब से लगते हैं उस टाइप के पौधे मैं इसमें लगाऊंगा, ताकि देखने में जो है काफ़ी खूबसूरत लगे जब ये एक साथ खिले। तो इस तरीके से आप भी अरेंज करके अपने घर में लगा सकते हैं। कोशिश करें कि एक टाइप के जो फूल हो अलग अलग कलर के, तो वो जो है एक ही लाइन में आप रखें, इससे ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों जो ये फूल है या आप गुड़हल का फूल है या कोई भी फूल है, उसको एक रो में लगाने की कोशिश कीजिए। दूर दूर जो है पौधों को ना रखें कि बीच में आपने दूसरे पौधे कर दिए और गुलाब का एक इस कोने में एक दूसरे कोने में, तो ऐसे में इतना अट्रैक्टिव जो है पौधा नहीं लगता। जबकि आप सबको साथ में रखेंगे एक के बाद एक, तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ऐसे तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो है आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र और सब्जी के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बीच बीच में देते रहें, ताकि जो एनर्जी है वो मिट्टी में बनी रहे। और ज़्यादा पानी जो है नुकसानदायक होता है, तो पहली बार तो आप पूरा जो है पानी दें इनको, लेकिन उसके बाद जो है पानी बहुत ज़्यादा ना दें, मिट्टी में केवल नमी रहे। बहुत ज़्यादा पानी से भी कई बार जो है ये सड़ जाते हैं पौधे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। धूप की अच्छी खासी ज़रूरत होती है, तो कोशिश करें कि जो सुबह की धूप है और सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक की धूप इसको मिले, तो ऐसे में ये ज़्यादा अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। दोस्तों यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो है आप कभी भी इसके पत्तों को चारे के रूप में पशुओं को मत दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े जहरीले होते हैं, तो ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है। सुंदरता के लिए आप इसका यूज़ कीजिए और अपने घर को बहुत सुंदर से सजाइए। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी, हर तरह के विजिट और हर तरह के गार्डन को देखने के लिए इस चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक जो है इसमें मैं 130 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ उन सब वीडियोस को भी अवश्य देखिएगा। वीडियो को अंत तक इतने ध्यान के साथ देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।